हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। तो ये वीडियो भी एक खास वीडियो है, कैसे एक बंगाल के छोटे से गांव से उठ के कोई व्यक्ति जो है वो अपने करियर की ऊंचाइयों को छूता है। और अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है, बहुत ऊंचाइयां छूनी बाकी है। कैसी रही ये जर्नी पूरी एंड तक ज़रूर देखिएगा, सबके साथ शेयर कीजिएगा। और वीडियो को, जैसे कि आपने पिछली वीडियो को बहुत प्यार दिया लाइक करके, पूरा इस वीडियो को भी प्यार दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे स्ट्रगल टू सक्सेस स्टोरीज आती रहेंगी और आप लोगों को इंस्पायर करती रहेंगी, मोटिवेट करती रहेंगी। आप किन चीज़ों पे, किन पॉइंट्स पे आप कनेक्ट कर पाते हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और क्या चीज़ें हैं जो आप और देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। राइट, सो इन इंस्पिरेशनल स्टोरीज को सुनते जाएं और आगे बढ़ते जाएं और सीखते जाएं, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा आप लोगों से, इन वीडियोस का अगर आप पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो प्लीज़ हेडफोन्स यूज़ कीजिए। इन वीडियोस को हम लोग रिमोटली रिकॉर्ड कर रहे हैं जूम से या स्काइप से, और अगर आप इनका पूरा फायदा उठाना चाहते हैं, इनको मैक्सिमम, इनसे वैल्यू निकालना चाहते हो, हेडफोन्स यूज़ कीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पर आपको लग सकता है कि क्वालिटी ऑफ साउंड सही नहीं है। आप भी समझ सकते हैं कि जब रिमोटली चीज़ें की जाती हैं तो थोड़े से इश्यूज रहते हैं, बट मैं समझता हूँ कि आप इन चीज़ों को समझेंगे और हेडफोन्स यूज़ करके इन वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल नीरज और क्लासेस, और आज हमारे साथ एक खास मेहमान है और वो आपको बहुत कुछ बताएंगी, बहुत कुछ आपके साथ शेयर होगा, खासकर उन स्टूडेंट्स को जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं सीए करने के बाद, इवन सीए करने के साथ बहुत सारी बातें होने वाली हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस पूछिएगा क्या आप पूछना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए डायरेक्टली चलते हैं, आपको मिलवाते हैं अपने खास मेहमान से इस समय जो है हमारे साथ, एंड हियर वी गो। हाय निधि, हाउ आर यू? गुड गुड गुड, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, आपने एक सिंपल लिंक्डइन मैसेज पे जो है हमारी रिक्वेस्ट को माना और चैनल पे आने के लिए आपने हाँ कहा। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए आप स्टूडेंट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नीरज, यू नो, फॉर आपने मुझे बोला कि ऐसा हम कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं सीए हूँ इंडिया से, मैंने 2012 में अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया कलकत्ता से। एक्चुअली मैं बहुत छोटे से गाँव से हूँ बंगाल के, आप आज की डेट में वहाँ की पॉपुलेशन 5,000 से ज्यादा नहीं है, तो वहाँ पे मेरे जी तो वहाँ पे अपने लाइफ की स्टार्टिंग के 12 से 13 साल निकाले। मेरे पेरेंट्स बहुत पर्टिकुलर थे एजुकेशन को लेके, बिकॉज वो दोनों बहुत क्वालिफाइड हैं, तो इसीलिए मेरी स्कूलिंग हमेशा ही सिटी में हुई, बट रही मैं गाँव में ही हूँ। तो उसके बाद हम फाइनली, मैंने अपना कॉलेज 2012 में खत्म किया सीए 2013 में, एंड 2 साल इंडिया में काम किया, 6 महीने कलकत्ता, फिर हैदराबाद 1.5 साल, फिर मैं यूएस आई पर्सनल रीजंस के वजह से, और यहाँ पर यूएस में जॉब अपॉर्चुनिटीज खोजे, 3 साल यूएस में काम किया, और 3 साल काम करने के बाद मैंने सीपीए किया। सो फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स जो मैंने काम किया वो एज एन इंडियन सीए ही मुझे जॉब मिली थी। okay. और उसके बाद फाइनली अब मैं कनाडा में हूँ, अभी यहाँ पे रहते हुए 9 महीने हो चुके हैं। सो 6 साल का कुछ करियर रहा है आफ्टर बीइंग अ सीए। Right. अच्छा जर्नी रही है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो काफी जगहों पे आप घूम लिए हो इस 6 साल के बीच में, बोलूंगा, है ना? जी। ग्रेट। सो अब ये बताइए पहले कि आपने सीपीए यूएस किया है या सीपीए कनाडा, या मतलब क्या क्या रहता है वहाँ पे सीपीए का? मैंने सीपीए यूएस किया है, बिकॉज़ मैं एक्चुअली 3 साल जो मैंने, और अभी भी मैं अपने यूएस वाले एम्प्लॉयर के लिए ही काम कर रही हूँ, टेम्पररी ट्रांसफर है कनाडा में। ओके। सो मैं जो अपने करंट एम्प्लॉय के लिए काम करती हूँ उनके लिए मुझे बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो मेरा ट्रैवल 40% एंड मैं करीब 25 कंट्रीज जा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो इट मेड सेंस, क्योंकि लाइसेंसिंग के लिए और यू नो काम के लिए, प्लस मैं ऑलरेडी यूएस गैप में काम कर रही थी, सो जो भी रिक्वायरमेंट्स थी सीपीए की वो मैं ऑलरेडी मीट कर रही थी, तो व्हाई नॉट गेट इट डन। तो इसलिए मैंने यूएस सीपीए किया है फिलहाल, तो यूएस आई मीन सीपीए कनाडा नहीं किया है, बट यू नो इन फ्यूचर। Right. Okay, मुझे एक सवाल पूछना निधि आपसे, जैसे आप इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं, तो आप जब यूएस में गए तो आपको क्या लगा कि वहाँ पे इंडियन सीएस की कितनी वैल्यू है, या सीपीए करना मैंडेटरी है, या सिर्फ सीए करने के बाद भी वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं? सीए करने के बाद भी अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि मैंने तो 3 साल काम किया है जब तक मेरे पास सीपीए नहीं था। okay. और मैंने सीपीए मई 2019 में किया है, जून 2019 में तो हम यूएस से निकल गए जून एंड में। तो ऐसा नहीं था कि यू नो मुझे जॉब्स नहीं मिले, अच्छे जॉब्स भी मिलते हैं। मेरी जो जॉब है करंट, जो बहुत लोग पूछते हैं कि ट्रैवल कैसे कर सकते हो इतना,
वो एज एन इंडियन सीए ही मुझे मिली थी. ओके. सो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन आपके ऊपर है कि आप अपने क्वालिफिकेशंस को प्रेजेंट कैसे करते हैं. मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग कहीं चेंज नहीं होती. राइट. आपने जो डेबिट करना है और क्रेडिट करना है वो सेम ही रहेगा. एग्जैक्टली. तो आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हो वो इम्पोर्टेंट है, अपने एजुकेशन को, क्वालिफिकेशन को, एक्सपीरियंस को. तो आई थिंक वहीं पे जो है डिफरेंस है कि इफ यू आर प्रोजेक्टिंग इट राइट, अगर आप सही से अपने एक्सपीरियंस को समझा रहे हैं तो 100% अपॉर्चुनिटीज हैं और अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं. राइट. अब मुझे एक बात बताइए, सपोज मेरा भी रिजल्ट आया सीए फाइनल का, ठीक है, एंड मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया. अब आप मुझे क्या गाइड करोगे, क्योंकि आप इतने समय से जो है आप इंडस्ट्री के अंदर हो और आपने पूरा मतलब ऑलमोस्ट 25 कंट्रीज आपने देख ली हैं, तो आपने अलग अलग जगह का अलग अलग वर्क कल्चर देखा होगा. तो सबसे पहली गाइडेंस आप मुझे क्या दोगे एज अ इंडियन यंग फ्रेशली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी बिल्कुल रिजल्ट में जो है पास हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे उनको? फर्स्ट थिंग जो मैं कहूंगी कि अपना नीश खोजो, अपना इंटरेस्ट खोजो. राइट. बिकॉज मैंने खुद भी ये किया था कि इनिशियली मुझे ऑडिट में ही इंटरेस्ट था, बट बिकॉज फाइनेंशियली हमें पैसे चाहिए थे तो इसीलिए मैंने एक अकाउंटिंग रोल पिक किया था इंडिया में. जो 1.5 साल मैंने काम किया, बहुत अच्छे पैसे थे बट कभी भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था. और फिर जब मुझे US आने मिला तो मुझे पता था कि मुझे ऑडिट में वापस जाना है. सो अपना सबसे पहले अपना इंटरेस्ट, अपना नीश पिक करो. एंड वो आप कैसे पिक करें, वो आप ऑफकोर्स अपने इंटरेस्ट से पिक भी करें और ये भी सोचें कि आपने फ्यूचर में क्या करना है. अगर जैसे मुझे आइडिया था बिकॉज कि मैं US आने वाली हूँ फैमिली रीजंस के वजह से, तो मुझे पता था कि मेरी फील्ड ऐसी होनी चाहिए जो कि फ्लूइड हो, जो कि मल्टीपल कंट्रीज में इजी हो एस्टैब्लिश करना. तो अगर आप इंडियन डायरेक्ट टैक्स में एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होना पड़ेगा जस्ट टू अंडरस्टैंड कि उसकी लिमिटेशंस हैं. राइट. तो अपना नीश पिक करें एंड कुछ ऐसा पिक करें कि जो आपके फ्यूचर एस्पिरेशंस में वेल फिट हो. राइट. ये आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट टैक्स, फॉर एग्जांपल हम टैक्स का एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं टैक्स में एक्सपर्टीज कर लूँ तो शायद वो US में और या इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में मुझे उसकी उतनी वैल्यू जो है वो नहीं मिल पाएगी. करेक्ट. ग्रेट. सिंस आप बाहर हैं इंडिया से, तो ये क्वेश्चन तो पूछना बनता ही है कि अब इंडियन, वही इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट है, फ्रेशली क्वालिफाइड है, नाउ ही वांट्स टू गो आउटसाइड इंडिया, तो उसे किस तरह से क्या स्टेप्स लेने चाहिए, किसको अप्रोच करना चाहिए, मतलब क्या एक स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस क्या होनी चाहिए, एक हमें एक आइडिया मिल जाए अगर तो. वेल सबसे पहले तो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे वर्क कीजिए. मेरे हिसाब से उस प्लेटफॉर्म पे जितना स्कोप है मुझे नहीं लगता कि किसी भी और प्लेटफॉर्म से या कनेक्शन से होगा. सबसे पहले मेक श्योर कि आपके लिंक्डइन प्रोफाइल पे सेल्फीज ना हो. राइट. जो मैं अभी भी बहुत देखती हूँ, या यू नो वेडिंग अटायर में, या प्लीज आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अच्छे से उस पर वर्क कीजिए. राइट. एंड अपना नेटवर्क बढ़ाइए. आपको ये जरूरी है जानना कि नेटवर्क ही सब कुछ है. Right. हमारे इंडिया में क्या होता है, आपके जो दोस्त होते हैं वो आपको रेफर कर देते हैं, सीनियर्स जो है रेफर कर देते हैं. Right. यहाँ पे रेफरेंस से भी नहीं होता है, यहाँ पे आप ही हो. यू आर द फेस एंड यू आर द ब्रांड. तो आपने उस पर वर्क करना है, आपको नेटवर्किंग करनी है और आपको बड़ी स्मार्टली करनी है. आपको कोशिश करनी है कि आप फिगर आउट करें कि किस कंट्री के इमिग्रेशन लॉज कैसे हैं. Right. कौन आप नेटवर्क में खोजिए, लिंक्डइन पे खोजिए, कौन ऐसा है इंडियन सीएस, आपको बहुत मिलेंगे जो बाहर काम कर रहे हैं. Right. आप उनके साथ बातचीत करना शुरू कीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन ये मत पूछिए कि बाहर कैसे जा सकते हैं. नॉर्मल कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कीजिए. जो एक्चुअल में मैंने किया था जब मैं US मूव की थी, तो मुझे इट वॉज अ वेरी न्यू कंट्री और मैं किसी को भी नहीं जानती थी. Right. तो मैंने सबसे पहले लोगों को अप्रोच करना चालू किया, नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस चालू किए. उसके बाद जब एक नेटवर्क बन गया, जब किसी के साथ यू नो दो तीन बार अच्छे से बात हो गई, तब उनसे पूछा कि मुझे ऐसे इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पे काम करूँ तो मुझे क्या करना चाहिए. Right. तो आप अगर 12-13 लोगों से बात करेंगे, 15 लोगों से बात करेंगे अलग अलग कंट्रीज में जो है, तो आपको एक आइडिया बनेगा कि उनका खुद उनकी जर्नी कैसी रही है और उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो किया है. Right. तो वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा. एंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इमिग्रेशन जो है वो कंट्री बाय कंट्री डिपेंड करता है. Right. तो इसीलिए जो जो एक कंट्री XYZ पे अप्लाई होगा वो ABC पे अप्लाई नहीं होगा. तो ये चीज हमेशा याद रखिए. राइट. ग्रेट. मैं यही सारी चीज़ें आपके लिए लिख भी रहा हूँ, मतलब स्टूडेंट्स को अगर हम दे पाएँ एक रिटर्न फॉर्म में. बहुत बढ़िया. सो नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लिंक्डइन प्रोफाइल हमें अपनी सुधारनी है और साथ साथ में हमें वहाँ पे जो लोकल लोग हैं उनके साथ थोड़ा सा टच में आना है, एंड डायरेक्टली ऐसे अप्रोच ना करें कि भाई बाहर कैसे जाना है या कैसे जॉब मिलेगी. जस्ट ट्राई टू क्रिएट अ हेल्दी नेटवर्क फर्स्ट, हेल्दी कम्युनिकेशन हम पहले.
बहुत बढ़िया. एब्सोल्युटली. ओके सो अब आपको एक चीज, आप लिंक्डइन पे काफी एक्टिव है मैंने देखा है, एंड बिग शाउट आउट के भाई सब लोग जाके निधि को फॉलो करें लिंक्डइन पे. एंड बहुत अच्छा ये थैंक यू. लिंक्डइन पे काफी अच्छी पोस्ट ये लिखती हैं, और मैं भी इंस्पायर होता हूँ देख के. और जब मैंने ये इंटरव्यू वाला पोस्ट डाला था तो बच्चों ने टैग भी किया था आपको कि आपके साथ कोलैब किया जाए. अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कहाँ लैक कर रहे हैं इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ, यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें तो काफ़ी कम सैलरी मिलती है, काफ़ी ज़्यादा सैलरी, मतलब एक ना वेरिएशन बहुत ज़्यादा है. मैं बोलूँगा वेरिएंस जो है बहुत ज़्यादा है, शायद 20,000 रुपये महीने, 30,000 रुपये महीने में भी सीएस की सैलरी मिल रही है, और एक जगह पे आपको 2 लाख रुपये महीने में भी सीए को सैलरी मिल रही है, फ्रेशर की बात मैं अगर करता हूँ. तो आपको क्या लगता है ये जो 20,000 वाले सीएस हैं इनको कैसे हम उठा सकते हैं, या ये कहाँ पे लैक कर रहे हैं, व्हाट इज योर थॉट ऑन दिस? मुझे लगता है यहाँ पे जैसे जब जब यहाँ पे भी बच्चे आते हैं और जूनियर्स या मेरे पीयर्स आए एंड हमने उन्हें इंटरव्यू किया, तो मुझे हमेशा एक ही फीडबैक मिलता है कि निधि, दे आर नॉट गुड इन सॉफ्ट स्किल्स. सो वो आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है समझना. मतलब मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपको किसी लैंग्वेज में, आप मैं आई एम नॉट सेइंग कि आपको इंग्लिश में अच्छा होना है, लेकिन आप जिस भी लैंग्वेज में हैं आप उसमें प्रोफिशिएंट रहें. अगर हिंदी है तो आप हिंदी में प्रोफिशिएंट रहें, इतने अच्छे रहें कि आप अपने थॉट्स को क्लियरली एक्सप्रेस कर पाए. अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में प्रोफिशिएंट रहें. सॉफ्ट स्किल्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड एक्चुअली मुझे भी यही लगता है कि जो 2 लाख और 20,000 जो आप कह रहे हैं ना डिफरेंस है, वो मेन वही है. नॉलेज सबकी सेम है बट एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स बहुत अलग है. एंड कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो, बट वो क्या है, वो सब आप जब आप सॉफ्ट स्किल्स में अच्छे हो जाएंगे, जब आपको पता चल जाएगा कि कॉन्वर्सेशंस कैसे स्टार्ट करने चाहिए प्रोफेशनली, बाउंड्रीज क्या होती है कॉन्वर्सेशंस की, वो सब जब आप कर लेंगे तो आपके आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हो जाएगा, आपकी पर्सनैलिटी अपने आप बिल्ड हो जाएगी. ग्रेट. अब मैं कुछ क्वेश्चंस ही चीज़ें भी देख रहा हूँ साथ साथ आपसे पूछने के लिए. अब ये हमने जी प्रॉब्लम साइड तो डिस्कस कर ली, अब इसका जी अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है? मतलब हम ये चीज़ ना समझ, एक तो हम समझा भी नहीं पाते कभी कभी, हमें लगता है सीए को लगता है कि बस भाई अब मेरे पास नॉलेज आ गई, आई एम द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड, अब मुझे कोई हरा नहीं सकता. एक तो हो गया कि पहले जी उनको इस चीज़ से अवेयर कराना, वो हम लोग कोशिश जी करते हैं, आप भी कोशिश करते हो मैंने देखा है बहुत बार. सॉल्यूशन क्या है, मतलब अगर हम उनको बोलेंगे ओके टेक दी स्टेप्स, तो जी आपका जो है सॉफ्ट स्किल, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो जाएंगे. सबसे पहले तो आई थिंक बहुत ज्यादा फोकस है इस बात पे कि आपने आपका रैंक क्या है, आपके मार्क्स कितने आए हैं, आपने आर्टिकलशिप कहाँ से किए. तो आप उस रैट रेस से निकलिए सबसे पहले. पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरा कोई रैंक नहीं था, मैंने कोई बिग फोर से आर्टिकलशिप नहीं की, मुझे तो रिजेक्ट किया था आर्टिकलशिप में बिग फोर ने. बहुत जरूरी है कि आप बेसिक्स पे अपने ध्यान दीजिए, टेक्निकली स्ट्रांग बनिए. और एक चीज हमेशा याद रखिए कि आपसे स्मार्टर बहुत लोग हैं, आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बहुत लोग हैं. आपने अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपने आर्टिकलशिप की, आपसे हमेशा स्टेप वन प्लस और स्टेप वन माइनस बहुत लोग हैं. तो उस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए दैट यू आर नॉट द बेस्ट. और आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप अच्छा अच्छे बने एज अ प्रोफेशनल. यहाँ पे जैसे हम कहते हैं दैट्स जस्ट वन लाइन, यू शुड बी गुड टू टॉक टू. यहाँ पे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप कह रहे हो कि आप सीए हो तो वो मानते हैं कि आप सीए हो, वो आपसे आपकी डेबिट क्रेडिट नहीं पूछने वाले. लेकिन उनकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आप बात करने में यू शुड हैव अ प्लेजेंट पर्सनैलिटी. बट आपको पता ही नहीं है कि कॉन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करना है, आपको पता ही नहीं है कि लाइक आई सेड बाउंड्री क्या है, कहाँ खत्म करनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए क्या नहीं पूछना चाहिए. तो जो सारा फोकस हम कर देते हैं कि भैया नॉलेज नॉलेज एजुकेशन एजुकेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको आप बाहर एक्सप्रेस कैसे करें वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्लीज जो फोकस है उसको सही रीडायरेक्ट करिए. एंड कोशिश करिए कि जो भी आपके फ्रेंड्स हैं साथ में जो सीए कर रहे हैं, आप उनके साथ ये कॉन्वर्सेशंस जो है वो सिर्फ पढ़ाई या रैंक या मार्क्स की ना करें, आप उनके साथ ओवरऑल कॉन्वर्सेशन करें कि यू नो एक्स इमिग्रेशन के बारे में, या यू नो टू इफ इफ दे नो कि बाहर कौन उनके जान पहचान में कौन काम कर रहा है. कोशिश करें कि आप जितने भी लोगों को अपने नेटवर्क में ला सकते हैं, एंड एज अ स्टूडेंट ही वो करना चालू कर दीजिए. अगर मुझे पता होता तो मैं भी बहुत पहले कर देती, बट मुझे पता नहीं था. जब तक आप सीरियसली, अब आप मतलब यू आर नॉट द किंग, यू नो वो बहुत जरूरी है ध्यान में रखना. जो भी बातें बताई अभी हमें, वो हमें अगर फॉलो करें तो अपने सॉफ्ट स्किल्स हम सुधार सकते हैं. अच्छा निधि, अपनी पर्सनल के बारे में बताएं कि आपकी सीए जर्नी कैसी रही, आपकी सीए जर्नी किसने आपको, आपने जब बताया कि मैं बंगाल में एक बहुत छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ आइडिया कैसे आया कि सीए करना है?
एक्चुअली बहुत ही फनी है. मैं आई मीन मैं बहुत ही रिबेलियस किड थी टू बी वेरी ऑनेस्ट. सो मेरे पेरेंट्स लाइक आई सेड बहुत एजुकेटेड है. मुझे कुछ ऐसा करना था जो मेरे फैमिली में किसी ने ना किया हो. तो मेरी मॉम लॉयर है और मेरे डैड साइंस में थे एंड देन मेरे भाई ने साइंस ले लिया. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू पिक समथिंग जो कि किसी ने ना किया हो फैमिली में. एंड बिकॉज मुझे अपना खुद का कुछ यू नो क्रिएट करना था. मुझे नहीं चाहिए था कि मुझे घर में किसी से एडवाइस मिले. सो कॉमर्स पिक किया एंड देन जब मैं स्कूल में थी तो फिर बहुत सारे जो पीयर्स हैं बिकॉज कोई और था नहीं एडवाइस करने के लिए. तो जितने भी स्कूल के फ्रेंड थे सब कह रहे थे यू नो सी ए गुड कोर्स कर ले कर ले. बट आई लाइक टू से वन थिंग, उस टाइम पे ये भी बहुत प्रेशर था कि सी एस भी करो सी ए में भी करो. और बहुत सारे कोर्सेज हैं अब तो एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट अगेंस्ट देम. बट मैं पर्सनली आई न्यू कि मेरा मेंटल बैंडविड्थ इतना नहीं है. मैं एक ही चीज पे फोकस करके उसको अच्छे से करना चाहती थी. सो आई पिक्ड सी ए एंड वो मैंने अच्छे से किया. तो प्रेशर में आई डू नॉट गिव इन टू द प्रेशर बिकॉज आई थिंक उस टाइम पे प्रेशर बहुत ज्यादा था. मुझे नहीं पता आज की डेट में सिचुएशन कैसी है. बहुत ज्यादा ही है. सो बहुत ज्यादा प्रेशर था कि सी एस भी कर लो क्योंकि पढ़ाई तो कर ही रहे हो एग्जाम भी तो लिखना है. तो सो आई थिंक मुझे वो मैंने अपनी नीश बहुत पहले खोज ली थी बिकॉज आई न्यू दैट आई एम कम्फर्टेबल विद सीए. मुझे और किसी चीज में महान नहीं बनना था. तो दैट इज हाउ आई पिक्ड अप सीए एंड मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट स्कूल तक आई वाज एन एक्सीलेंट किड. बट उसके बाद आई स्टार्टेड गोइंग डाउन. सो सीए भले ही मैंने सब कुछ फर्स्ट अटेम्प्ट में किया हो बट पर्सनली इफ यू आस्क मी वो मेरा बेस्ट नहीं है बिकॉज ना लाइक आई सेड मुझे कोई रैंक नहीं मिला. मुझे आर्टिकलशिप में बिग फोर से भी रिजेक्ट कर दिए थे. सो मुझे ऐसे लगा कि यू नो ये क्या मतलब वेयर इज लाइफ गोइंग नाउ. एंड मैंने अपनी आर्टिकलशिप एक अच्छे फर्म से की कैलकटा से. तो काफी ट्रैवल करने मिला उनके साथ विच इज वेयर आई काइंड ऑफ फिगर्ड कि मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ. बहुत इंटरनल ऑडिट करने मिला. सो अच्छा एक्सपीरियंस था बट आई वुड से बहुत ही मीडियोकर था. आई मीन ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप कह सको कि यू नो ओके नाउ यू गोना अब आपका रैंक आ गया या कुछ भी ऐसा नहीं था कि यू गोना शाइन. सो अच्छा जर्नी था. बहुत अच्छे दोस्त रहे एंड जो मैं एक चीज सबको कहती हूँ प्लीज फोकस ऑन रिलेशनशिप्स क्योंकि सीए हो जाएगा जॉब हो जाएगी चार साल बाद आप सेट हो जाओगे. जो चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में उसको प्रायोरिटाइज कीजिए. ग्रेट. तो रिलेशनशिप से मैं क्लैरिफाई कर दूं यहाँ पे बात हो रही है दोस्तों की और हमारे जी ये हमारे नॉट स्टूडेंट्स है ना ये इसे मोटिवेट हो जाएंगे अभी वीडियो शेयर होने लग जाएगी. ओके ग्रेट. ठीक है तो अब आप मुझे बताएं निधि के यूएस में जाके पहले समय मतलब जब आपने जॉब ढूंढी होगी उस समय क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी. ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि भाई एवरीथिंग ऑन अ प्लेट इज सर्व टू यू. तो क्या आपने प्रॉब्लम्स वहां पे फेस करी और आपने कैसे उनको ओवरकम किया उससे क्या लेसंस मिले. सो जब मैं यूएस में मैंने फर्स्ट मूव किया था सो आई वांट टू से कि इवन दो आई वाज मेरे हस्बैंड यहां पे थे बट ही इज अ डॉक्टर. सो यू कैन इमेजिन हाउ डिफरेंट दो दुनिया एकदम अलग होती है यू नो प्रोफेशनल. तो जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि यू नो जो हमारा फ्रेंड सर्कल है उसमें किसी को सीए समझाना भी मुश्किल था. सो दैट वाज माय फर्स्ट स्टेप टू काइंड ऑफ एटलीस्ट अपने सर्कल में. अगर मैं प्रोफेशनली किसी को समझाने जाऊँ वो तो बहुत दूर की बात है कि इंडिया से मैंने सीए किया है. पहले अपने लोगों को समझाना कि एक्चुअल में क्या किया बिकॉज मैक्सिमम लोगों को लगता है कि आप टैक्स फाइल करते हो. तो वो उनको समझाना कि अलग होता है. तो उसमें मुझे एक जो बेनिफिट मिला वो ये कि मुझे सीए को एक्सप्लेन करना बहुत अच्छे से आ गया इन वेस्टर्न टर्म्स. तो आई स्टार्टेड कॉलिंग इट इक्विवेलेंट ऑफ सीपीए या फिर यू नो एक्सप्लेनिंग इट या फिर जो मैंने काम किया है उसको वेस्टर्न वर्ल्ड्स में करना आ गया. देन मुझे सेकेंड जो इशू फेस हुई दैट वॉज ऑफकोर्स एक्सेंट. बहुत ही अलग होता है. एंड अगर आप कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं मूव करना चाहते हैं एटलीस्ट आप मे बी यू कैन स्टार्ट वॉचिंग वन और टू मूवीज ऑफ those कंट्रीज ताकि आप उनकी लैंग्वेज समझ जाएं थोड़ी बहुत क्योंकि मुझे तो इंटरव्यूज में सवाल भी नहीं समझ आते थे. थर्ड इट वॉज वेरी डिफरेंट बिकॉज यहाँ पे कोई आपसे लाइक आई सेड टेक्निकल क्वेश्चन नहीं पूछता है. तो मैं प्रिपेयर होके जाती थी एकदम टेक्निकल क्वेश्चन के लिए. India specific. जी एकदम इंडिया स्पेसिफिक 100% कि हाँ मुझसे कोई पूछ ले कि भाई बैंक रिकंसिलिएशन कैसे होता है तो मैं उसका जवाब दे दूँ. बट यहाँ पे क्वेश्चंस वैसे होते ही नहीं थे. यहाँ पे इट वाज मोर अबाउट आप कहाँ से हो बैकग्राउंड. तो वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल असेस करते थे.
जो कि आई डोंट थिंक आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट इन, बिकॉज मैं उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं थी. सो दैट वॉज वेरी डिफरेंट. एंड आई वुड से लास्टली, लाइक आई सेड, मुझे स्मॉल टॉक जो कहते हैं यहाँ पे, वो मुझे बिल्कुल करना नहीं आता था. मुझे नहीं पता था कि यू नो कोई आपको हाय हाउ आर यू बोले तो आपको उसको रिटर्न में हाउ आर यू कहना है. आई एम लाइक हाँ मैं अच्छी हूँ, एंड देन आई वुड स्टैंड देयर एंड वेट. तो आई कुड सी कि सामने वाला बंदा ब्लैंक हो गया क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा है. एक चीज जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आउटसाइडर्स कम है फाइनेंस में. सो यहाँ पे अगर आप जाते हो इंटरव्यू करने के लिए, तो उनका एक्सपीरियंस, अगर वो 100-10 लोगों को इंटरव्यू कर रहे हैं, तो 10 में से 9 उनको यहीं के लोग मिलते हैं, एक आप हो जिनको वो इंटरव्यू कर रहे हैं. तो आपको कहीं से भी, यू कैन नॉट बी दैट डिफरेंट कि आप एकदम ही यू नो 9 लोगों से अलग उनको लगे, बिकॉज उनको, दे आर नॉट यूज टू, उनको एक सर्टन सेट की दे यूज टू दैट. ऑफकोर्स दे आपके डाइवर्सिटी और एक्सपीरियंस को रिस्पेक्ट करते हैं, बट सॉफ्ट स्किल्स में उनको एक तरीके का, दे आर यूज्ड टू अ सेट फॉर्मेट. एक बेंचमार्क, तो वो मुझे समझने में टाइम लगा. जी एकदम राइट, ग्रेट. ओके, तो अब मुझे लगता है कि हमने काफ़ी सारी बातें आपकी सीए जर्नी के बारे में करी. अब मुझे बताओ कि जो मुझे ऐसा लगता है, और मुझे क्या, मुझे मुझे लगता है कि जितने भी इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना, सब बहुत ही, मैं बोलूँगा कि एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आए, या ऐसी जगहों से आए जहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती थी. एंड सेम आपने मुझे बताया कि आप किस तरह एक छोटे से विलेज से है, तो आपको कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आए कि मैं इतने बड़े लोगों के सामने जाके बोलूँगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसे बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि वो आपके पास वो एनर्जी कहाँ से आई, वो थॉट कहाँ से आया कि यार मैं इस स्टेज पे पहुँच सकती हूँ और मेरा बैकग्राउंड मेरे लिए मैटर नहीं करता. या अपने अपने आपको अपने 6-7 साल में क्या ऐसे स्टेप्स लिए, क्योंकि मैं देखता हूँ लोग बाग 30-30, 40-40 साल तक ये स्टेप्स नहीं ले पाते और वो शायद सेम बैकग्राउंड में ही, सेम सर्कमस्टांसिस में ही रह जाते हैं. एक्चुअली मैं तो अभी भी आई एम नर्वस. ऐसा नहीं है कि मैं कोई 100% कॉन्फिडेंट हूँ, बट मैंने उसके पर थोड़ा बहुत तो वर्क किया है, बिकॉज आई ऑलवेज अंडरस्टूड. मुझे एक चीज हमेशा याद पता थी कि आउटसाइडर मैं हूँ एंड आई कैन ब्रिंग माई एक्सपीरियंस टू द टेबल, लेकिन मुझे उसको प्रेजेंट वेस्टर्न टर्म्स में करना होगा. मेरा एक्सपीरियंस भले ही इंडिया का है, लेकिन वो हमेशा प्रेजेंट यहाँ के हिसाब से होना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप, आई थिंक इंडिया में हम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बोलते हैं, राइट? बट यहाँ पे डेट इज लोन. सो I still remember, you know, there were times कि मैं लोगों को confuse कर देती थी. They are like, debtors क्या होता है? Then I realized कि अच्छा, accounts payable, accounts receivable ही बोलना है. So, so you know, basic stuff like that, because बहुत चीजें थी जिनमें मैं confuse कर देती थी लोगों को. And like you said, मैं भी बहुत छोटी सी जगह से, तो मुझे हमेशा लगता था कि you know, मेरे में क्या है यार, मुझ में ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे ये वाली job मिल जाएगी या ये लोग मुझे सुनना चाहेंगे या मुझे यू नो बाहर जाने देंगे, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे भेजेंगे. सो आई, एंड दैट इज गुड, आप अपने आप को क्वेश्चन करते रहिए. लेकिन ऑफ कोर्स आपको हमेशा ये भी याद रखना है कि यू नो वी आर ऑल ह्यूमंस, और आप जो ला रहे हो टेबल पे, आप दो कंट्रीज का एक्सपीरियंस ला रहे हो. आप इंडिया का एक्सपीरियंस ला रहे हो और आप यहाँ का ला रहे हो. आपके पास बहुत वाइड पर्सपेक्टिव है वर्ल्ड का, जो यहाँ के लोगों के पास नहीं होगा, जो यहाँ पे बड़े हुए हैं. तो उस चीज को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. एग्जैक्टली. और हमेशा अपने एक्सपीरियंस को ग्लोबल टर्म्स में शेयर कीजिए. अगर आप, सपोज आप काम कर रहे हैं यू नो किसी लिस्टेड कंपनी के लिए, तो हमेशा उसे पब्लिक कंपनी के, ऐसा नहीं कि आप कंपनी का नाम बता रहे हैं, बिकॉज कंपनीज बहुत है. तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, पब्लिक कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, या फिर यू नो रेवेन्यू कितना है. अगर $20 billion का रेवेन्यू, आई एम वर्किंग फॉर अ पब्लिक कंपनी विद रेवेन्यू ऑफ $20 billion, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि आई एम वर्किंग फॉर XYZ कंपनी. तो बहुत सिंपल चीजें हैं जो आप ट्वीक कर देंगे अगर थोड़ा सा, तो आप बिल्कुल यहाँ के फॉर्मेट के हिसाब से हो जाएंगे और फिर वो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा. राइट, ग्रेट. US और कनाडा के में तो आपने पूरा एक्सपीरियंस ले ही लिया है, आप क्या बोलेंगे इंडियन CAs के लिए, और कौन सी कंट्रीज हैं जो एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन हो सकती है फ्रॉम प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जहाँ जाके वो अपनी जॉब्स या अपनी प्रैक्टिस या जिस भी तरह से अपने आप को आसानी से एस्टेब्लिश कर सकते हैं? मेरी फेवरेट्स अगर आप पूछेंगे, जो मैं पर्सनली जहाँ पे मैंने देखा है दैट इंडियन सीएस आर डूइंग वेल, मेरे हिसाब से सिंगापुर वाज डेफिनेटली माय टॉप. एंड जब मैं सिंगापुर गई थी अपने काम के लिए, तो मैं वहाँ पे बहुत सारी सीएस से मिली थी. ऑफ कोर्स वहाँ पे आई वुडंट से कि अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, इट्स नॉट लाइक द यूएस और कनाडा. But I do feel ki, you know, that is definitely a very good spot. Dubai ek acha spot hai, but
पर्सनली आई मीन मुझे उतना समझ नहीं आया, बट इट इज डेफिनेटली अ गुड स्टेपिंग स्टोन. आपका स्टेप वन हो सकता है वो. मलेशिया इज अ गुड स्पॉट, अच्छी जगह है, आप काम कर सकते हैं. मेरे हिसाब से न्यूजीलैंड इज ऑल्सो अ गुड स्पॉट फॉर इंडियन सीएज. एंड यूरोप में अगर आप पूछेंगे तो मे बी लग्जमबर्ग, क्योंकि वहाँ पे इमिग्रेशन ईजी है. स्कैंडिनेवियन कंट्रीज स्लाइटली ईजी. सो यू नो अगेन इट डिपेंड्स कि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि इकॉनमी कैसी कर रही है. तो आप अपना रिसर्च करें, इकॉनमी कैसी कर रही है. तो आपने से दो चीजें ध्यान रखनी है, इफ द इकॉनमी इज डूइंग ओके एंड इफ द इमिग्रेशन इज ईजी, दैट्स इट. बिकॉज आप ये टेंशन मत लीजिए कि आपका सी ए सेट हो जाएगा कि नहीं, वो तो हो ही जाएगा. लाइक आई सेड कि बेसिक्स कहीं चेंज नहीं होते हैं. अकाउंटिंग, ऑडिट, इनके बेसिक्स कहीं चेंज नहीं होते. एंड देन आपको प्रेजेंट करना आना चाहिए जैसा आपने शुरू में बताया. एब्सोल्युटली. ओके, आपका लिंक्डइन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ. तो लिंक्डइन पे आप स्टूडेंट्स को किस तरह की गाइडेंस देते हैं? बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, तो वहाँ पे स्टूडेंट आपको क्यों फॉलो करें, आपके साथ क्यों जुड़े, आप ये बताइए जल्दी से. सबसे पहले तो बिकॉज मेरी जर्नी लाइक आई सेड बहुत एवरेज रही है. एंड ऐसा नहीं कि अभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो गई है, बट मैं उसको बनाने के प्रोसेस में हूँ. लेकिन मेरे पास कोई नहीं था मुझे गाइड करने के लिए, सब कुछ खुद से फिगर आउट करना पड़ा. इट वाज गुड, मैं अपनी मिस्टेक्स कर पाई. लेकिन मैं चाहती हूँ कि बस जो बच्चे हैं इंडिया में या मेरे जूनियर्स हैं वो ये फेस ना करें. मुझे सीखने में अगर 4 साल लगे तो आप 1 साल में सीख जाए. सो वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. एंड मैं बहुत सारी जगह जाती रहती हूँ, सो आई कैन कीप टेलिंग यू कि यू नो कहाँ पे इंडियन सीएस के लिए आप किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं. सो या प्लीज एंड डेफिनेटली लिंक्डइन ज्वाइन कीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. अच्छा, बाहर कैसा कल्चर है लिंक्डइन को लेके? जैसे आपने बताया यहाँ पे तो हम लोग सेल्फीज डाल रहे हैं और मतलब वो शादी वाली फोटो डाल रहे हैं. सो यूएस और कनाडा में हाउ सिंसियरली पीपल क्रिएट देयर लिंक्डइन प्रोफाइल्स और मेंटेन देयर लिंक्डइन? इट इज वेरी सीरियस. अब जो मेरी जो लिंक्डइन प्रोफाइल पिक्चर है वो मेरी खुद की नहीं खींची हुई है, वो मेरी कंपनी ने खींची थी. बिकॉज उन्होंने बोला तुम्हारी हेडशॉट सही नहीं है लिंक्डइन की. ओके. जबकि मेरी कंपनी कोई बहुत एक्टिव नहीं है लिंक्डइन पे. राइट. सो इट इज दैट इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, जब हम कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए जाते थे कॉलेज पे, तो आई स्टिल रिमेम्बर की जो बच्चे हैं उनके सबके हेडशॉट्स रहते थे, द प्रोफाइल्स वर परफेक्ट. तो मुझे लगता था कॉलेज में मतलब इतना बच्चे कैसे कर लेते हैं. लेकिन एक्चुअली मेरी प्रोफाइल उनके सामने थोड़ी कम लगती थी मुझे. बट ऑनेस्टली लिंक्डइन पे जो वर्ल्ड है आई कैन नॉट एक्सप्रेस. बिकॉज मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरे नेटवर्क में मैं से 3 लोगों को जानती हूँ जिन्होंने लिंक्डइन के थ्रू बाहर जॉब्स खोजी हैं. एक ने यूरोप में, एक ने सिंगापुर में और एक ने दुबई में. एंड लिटरली उन्होंने ए टू जी सब कुछ लिंक्डइन पे किया है. सो या सो डेफिनेटली लिंक्डइन ज्वाइन कीजिए, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और आप प्रोफेशनली लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे. राइट, ग्रेट. अब हम आगे क्या सोचते निधि? एक तो आपका लिंक्डइन चैनल है ही, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप आगे कैसे स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे लिंक्डइन पे, या हमारे चैनल पे भी अगर कुछ वीडियोस अपलोड हो पाए तो बहुत 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 अच्छा रहेगा, क्योंकि ये पब्लिक एट लार्ज तक पहुंचती हैं और काफी सी स्टूडेंट्स इनको एंजॉय करते हैं. एंड आई थिंक हमने डिस्कस नहीं किया आपकी एक्सपर्टीज जो इस समय ऑडिट में आप थॉरली काम करते हैं. ऑडिट भी मैं चाहूंगा कि थोड़ा बहुत ऑडिट के भी हम लोग एक दो सेशंस रखें. हम लोग ऑल दो करते रहते हैं ऑडिट के ऊपर सेशंस, बट एक बेसिक आइडिया हम ऑडिट का जरूर लें कि ऑडिट अब बाहर क्या चलता है, कैसे चलता है सारी चीज़ें, और हम कंपेयर करके देखें कि इंडिया में हम जो पढ़ रहे हैं, इंडिया में जो हम कर रहे हैं और बाहर जो चीज़ें हो रही हैं उन पर कैसे काम हो रहा है. राइट. तो बिफोर गोइंग, बिफोर जस्ट टेकिंग दिस टू द नेक्स्ट स्टेज, अभी आप इस वीडियो के लिए क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे सारे स्टूडेंट्स के लिए और सारी अपनी सीए कम्युनिटी के लिए? आपको इस समय बहुत सारे लोग देख रहे हैं. जी, ओके. एक लास्ट मैसेज जो मैं देना चाहूंगी इज कि सीए इज नॉट अ मीडियोकर कोर्स. आप प्लीज उसमें फेथ रखिए. आपकी एजुकेशन, आपका क्वालिफिकेशन, आपकी एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे लेके जाएगी. सो प्लीज सपने देखते रहिए एंड किसी को ये मत कहने दीजिए कि आप जस्ट एक सीए हैं. राइट. क्या बात है, क्या बात है. ये बात आपने बिल्कुल सही बोली, और ये मतलब एक इज्जत मिल जाती है, एक सोशल स्टेटस की तरह हो जाता है जैसे आप सीए बन जाते हैं. सो आपकी एक रिकग्निशन बन जाती है. एंड प्लीज़ निधि को जाके फॉलो कीजिए लिंक्डइन पे. निधि, कुछ स्टफ अगर आपका आने वाला है लिंक्डइन पे तो आप बता सकते हैं, अगर कुछ आप रिसेंटली कुछ करने वाले हैं लिंक्डइन पे, या कुछ स्पेशल पोस्ट्स आप लोग अगर शेयर करना चाहें, कुछ बताना चाहें. मैं अपने इंटरव्यू जर्नीज जो है वो शेयर करने वाली हूँ. सो आप सबको उससे ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, बिकॉज उसके बहुत रिक्वेस्ट आते थे स्टेप बाय स्टेप जो मैंने इंडिया में US में फेस किया है. राइट. सो उससे आपको डेफिनेटली आइडिया मिलेगा कि वर्ल्ड्स कैसे डिफरेंट हैं हमारे.
चलिए, तो दैट इज द नेक्स्ट प्रोजेक्ट. ग्रेट, बहुत बढ़िया. आई होप सबने एंजॉय किया इस वीडियो को, एंड आई होप निधि आपने भी एंजॉय किया. और बहुत मजा आया, थैंक यू नीरज. कुछ भी चीज़ अगर रह गई होगी तो हम डेफिनेटली दोबारा एक वीडियो शूट करके अपने स्टूडेंट्स के साथ उसको जो है शेयर करेंगे. अब मैं अपने सिग्नेचर स्टाइल से ऑफ करता हूँ. तो थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद. और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. ये निधि आपने ही बोलना है, सीखना बंद तो जीतना बंद. ओके, आपके साथ किया नहीं, आपने आपने अलग से बोलना है. ओके, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. क्या बात है, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच.